गुड आफ्टरनून एवरीवन आप सभी का स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में हम डील कर रहे हैं करंट अफेयर्स और आज हमारे लिए है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स डे यानी कि आज हम डील करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के सभी समसमाय की घटनाओं को ऑन अ सब्जेक्टिव वे है ना और कल हम इसी पर बेस करके आप लोगों के लिए लेके आएंगे क्या एम तो आज शुरू करते हैं आज का सेशन हम जो हमारा फॉर्मेट है उसी में ही हम क्या करेंगे अपने इस सेशन को अलाइन करेंगे सबसे पहले हम देखेंगे इस हफ्ते हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हमारे राजकीय समसामी में बनी हुई है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है ये है आपका राज्य खेल अलंकरण है ना? राज खेल अलंकरण पुरस्कारों की फिर से घोषणा की गई है यानी कि इस साल 2024 में 14 मार्च 2024 को सन 19 20 और 2020 21 के लिए राज्य खेल अलंकरण पुरस्कार दिए गए थे इस बार इसमें और तेजी लाते हुए सन 2000 21 22 और 2022 23 के लिए भी राज्य खेल अलंकरण पुरस्कार इसी साल दिए जाएंगे यानी कि पिछले पांच वर्षों से जो हमारे राज्य में राज्य खेल अलंकरण पुरस्कार नहीं दिए गए थे उनको जल्द से जल्द कवरअप करने की कोशिश कर रहा है क्या हमारा जो खेल एवं युवा विभाग है छत्तीसगढ़ का तो आइए कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं आफ्टर 14th ऑफ मार्च टू स्टेट लेवल राज्य खेल अलंकरण पुरस्कार आर टू बी गिवन फॉर द सेकेंड टाइम इन अयर ऑन ट्वेंटी अगस्त 2024, मतलब घोषणा ये की गई है कि चौदह uh, मार्च 2024 में जो आपके राज्य खेल अलंकरण दिए गए थे 2019, 20 और 2020-21 20 के लिए उसके बाद 2021-22 और 2022-23 के लिए फिर से दिया जाएगा कब दिया जाएगा ट्वेंटी अगस्त 2024 को यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन पे यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डे पर इसे क्या किया जाएगा प्रदान किया जाएगा है ना अब देख लेते हैं ऑन मार्च ऑन 14 मार्च 2024, थाउज ट्वेंटी फोर इट वॉज गिवन टू प्लेयर्स यानी कि हाल ही में चौदह मार्च को जो दो, दो सालों के लिए आपके राज्य खेल अलंकरण दिए गए थे वो कुल मिलाकर के पांच सौ खिलाड़ियों को दिए गए जिसमें से एक सौ जो थे वो अलंकरण से सम्मानित हुए खेल अलंकरण से और वहीं चार सौ ग्यारह जो रहे उन्हें क्या दिया गया कैश प्राइज दिया गया है ना नगद पुरस्कार दिया गया है और ये जो आपका है ये 2019-20 और 2020-21 के लिए दिया गया है जो अगस्त में दिया जाएगा वो 2021 हजार और 22 तेईस के लिए दिया जाएगा तो अभी तक 2024 में कितने लोगों को दिया गया है 544 लोगों को दिया गया है खेल अलंकरण दो सालों के लिए है ये ध्यान रखेंगे आप लोग 2019-20 और 2021 के लिए दिया गया है इसमें से जो 133 खिलाड़ी हैं इन्हें क्या दिया गया है अलंकरण से नवाजा गया है मतलब राज्य अलंकरण से इन्हें सम्मानित किया गया है जबकि जो आपके 411, 411 खिलाड़ी हैं, इन्हें क्या दिया गया है नकद पुरस्कार दिया गया है इन्हें नकद पुरस्कार दिया गया है चलिए आइए और हमारे पास में कोई इसकी इन्फॉर्मेशन है क्या बिल्कुल सबसे पहले हम देख लेते हैं ये किस डिपार्टमेंट द्वारा किस विभाग द्वारा दिया जाता है तो ये स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर डेवलपमेंट खेल एवं युवा कल्याण विभाग जो है छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ सरकार का उसके द्वारा दिया जाता है क्या इसका कोई इतिहास है तो हाँ बिल्कुल इसका एक पूरा इतिहास है है ना इसका एक सोपान हम लोग देख लेते हैं डेवलपमेंट देख लेते हैं हम लोग कि आखिर ये जो राज्य खेल अलंकरण पुरस्कार की हम बात कर रहे हैं ये आखिर है क्या ठीक है तो स्टार्टेड इन द ईयर 2004 2004 में शुरुआत हुई किस नाम से खिलाड़ी परीक्षकों या फिर निर्णायकों को पुरस्कार नियम 2004 के नाम से ये क्या हुआ है शुरुआत हुआ है खिलाड़ियों प्रशिक्षकों निर्णायकों को पुरस्कार 2004 नाम से इसकी क्या की गई थी शुरुआत की गई थी छत्तीसगढ़ में इसके बाद में इसमें समय समय पर क्या होते रहे संशोधन होते रहे हैं कुछ मुख्य संशोधनों को हमें पढ़ना है जिसके द्वारा राज्य खेल अलंकरणों को जो इनका वर्तमान स्वरूप है वो प्राप्त हुआ है तो सबसे पहला जो इसमें संशोधन होता है जो महत्वपूर्ण है वो होता है सन 2007 में और इसे एक व्यापक रूप दिया गया इसके पहले तक इसमें कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं था कि इसे कितने कैटेगरीज में दिया जाएगा बस इसमें खिलाड़ियों को प्रशिक्षकों को और निर्णायकों को रेफरीज को क्या दिया जाएगा बोला गया था खेल सम्मान से या फिर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा Amended in the year 2007 2007 में क्या करना शुरू हुआ खेल रत्न पुरस्कार या फिर खेल अलंकरण पुरस्कार सम्मान आप लग का देना शुरू हुआ पहला था क्या शहीद राजीव पांडे पुरस्कार ये बहुत इम्पॉर्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए शहीद राजीव पांडे पुरस्कार दूसरा है शहीद कौशल यादव पुरस्कार तीसरा है वीर हनुमान सिंह पुरस्कार और चौथा था क्या खेल विभूति सम्मान तो 2007 में इसे क्या किया गया व्यापक बनाया गया इसके स्कोप को वाइड किया गया और चार जो आपकी कैटेगरीज थे इसमें इन्हें देना शुरू किया गया इसके बाद 2008 में फिर से एक नया अवार्ड इसमें जोड़ा गया मतलब एक नया खेल रत्न इसमें जोड़ा गया जिसका नाम क्या था शहीद पंकज विक्रम सिंह पुरस्कार तो शहीद पंकज विक्रम सिंह पुरस्कार जो इसका पांचवा पुरस्कार हो गया इसे कब जोड़ा गया सन 2008 में जोड़ा गया और फिर स, 2017 में फिर से इसमें अमेंडमेंट किया गया और अमेंडमेंट किस तरीके से किया गया तो इसमें आपका एक नया अवॉर्ड फिर से जोड़ा गया जिसे हम बोलते हैं क्या मुख्यमंत्री ट्रॉफी ये आपका छठवा पुरस्कार इसमें जोड़ा गया और जो 2007 में खेल विभूति पुरस्कार या फिर खेल विभूति सम्मान था इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया शहीद विनोद चौबे पुरस्कार रख दिया गया तो ये मेजर इसका डेवलपमेंट है आपका किसका राज्य खेल अलंकरण का सन 2004 में इसकी स्थापना की गई थी किसके द्वारा आपकी एग्जीक्यूटिव के द्वारा यानी कि आपकी कार्यपालिका द्वारा 2007 में किस किस नाम से इसे 2004 में किया गया था यह आपका है खिलाड़ियों प्रशिक्षकों और निर्णायकों को पुरस्कार नियम 2004 के रूप में इसे कार्यपालिका द्वारा स्थापित किया गया 2007 में इसे विधायिका द्वारा क्या कर दिया गया विधायिका द्वारा पारित करा दिया गया मतलब लेजिस्लेचर द्वारा पारित करा दिया गया और इसे क्या नाम दे दिया गया इसे नाम वही दे दिया गया खिलाड़ियों प्रशिक्षकों निर्णायकों को पुरस्कार अधिनियम 2004 कर दिया गया इसे 2007 में इसे क्या किया गया अधिनियम तो बनाया गया और साथ में इसे चार कैटेगरीज में बांट दिया गया शहीद राजीव पांडे कौशल यादव पुरस्कार वीर हनुमान सिंह पुरस्कार और खेल विभूति सम्मान बना दिया गया फिर दो में इसमें एक नया पुरस्कार जोड़ दिया गया जिसे हम क्या बोलते हैं शहीद शहीद पंकज विक्रम सिंह पुरस्कार और 2017 में इसमें पुनः क्या किया गया संशोधन किया गया और इसमें एक नया खेल कौन सा मुख्यमंत्री ट्रॉफी का पुरस्कार जोड़ा गया और जो विभूति सम्मान था खेल विभूति सम्मान उसे बदल कर क्या कर दिया गया शहीद विनोद चौबे पुरस्कार कर दिया गया तो कुल मिलाकर के ये कितने छह आपके कैटेगरीज में आप लोगों को ये आपका राज्य खेल अलंकरण राज्य खेल अलंकरण पुरस्कार देखने को मिलते हैं ठीक है आगे चलते हैं वर्तमान में क्या स्थिति है राज्य खेल अलंकरण छह श्रेणियों में प्रदान किया जाता है राज्य जो आपका क्या है खेल अलंकरण है उसे छह श्रेणियों में प्रदान किया जा रहा है जो इस प्रकार है देख लेते हैं कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है क्योंकि पांच साल बाद हमारे राज्य सरकार की खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय द्वारा इसे फिर से खिलाड़ियों को प्रशिक्षकों को और निर्णायकों को दिया जा रहा है यानी कि प्लेयर्स ट्रेनर्स और रेफरीज को दिया जा रहा है तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो पहला है शहीद राजीव पांडे पुरस्कार ये एक वर्ष में अधिकतम सात लोगों को दिया जा सकता है अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है सात लोगों को दिया जा सकता है और इनमें से जो एक पुरस्कार होगा वो पैरालंपिक प्रतिभागी के लिए क्या होगा डेडिकेटेड होगा मतलब एक जो पुरस्कार होगा यहां पर एक जो यहाँ पर पुरस्कार होगा उसे किसे दिया जाएगा पैराल में जो भी प्रतिभागी भाग लिया होगा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया होगा छत्तीसगढ़ से उसको देना अनिवार्य होगा है ना अलंकरण में पदक के साथ तीन लाख रुपए की क्या मिलती है पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाता है तो ये है आपका क्या शहीद राजीव पांडे मैक्सिमम सेवन इन ईयर साथ में वन मस्ट बी मेडल इसके साथ में ब्लेजर्स दिए जाते हैं बैच दिया जाता है ये सभी दिया जाता है किसमें शहीद राजीव पांडे में तो जो शहीद कौशल यादव पुरस्कार है इसमें आप लोगों को अधिकतम हम कितना दे सकते हैं एक साल में सात लोगों को दिया जा सकता है जिसमें से एक जो है वो आपका पैरालंपिक का प्रतिभागी होना चाहिए पैरालंपिक का क्या होना चाहिए पार्टिसिपेंट होना चाहिए और इसका जो आपका प्राइज मनी है वो वन पॉइंट फाइव है मतलब डेढ़ लाख रुपए के साथ में अलंकरण का मेडल दिया जाता है ब्लेजर्स दिए जाते हैं और बैच वगैरह दिया जाता है तीसरा जो हमारे पास में है वो है आपका शहीद हनुमान सिंह पुरस्कार और ये जो है आपका ये ट्रेनर्स और रेफरीज को दिया जाता है यानी कि प्रशिक्षक और निर्णायकों को दिया जाता है तो अधिकतम एक वर्ष में दो प्रशिक्षक और दो निर्णायक या फिर रेफरीज को दिया जाएगा जिसमें से एक महिला और एक पुरुष होने चाहिए यानी कि अगर दो प्रशिक्षकों को दिया जा रहा है तो एक मेल होना चाहिए और एक क्या होनी चाहिए फीमेल होनी चाहिए उसी प्रकार अगर दो निर्णायकों को दिया जा रहा है तो एक क्या होंगे उसमें से मेल होंगे और एक होंगे क्या फीमेल तो आप लोगों से डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा राज्य खेल अलंकरण निर्णायकों और प्रशिक्षकों के लिए डेडिकेटेड है यानी कि ट्रेनर्स और रेफरीज के लिए डेडिकेटेड है तो वो कौन सा है, वीर हनुमान है. एक साल में अधिकतम हम कितना दे सकते हैं दो प्रशिक्षकों को और दो रेफरीज को या दो निर्णायकों को दे सकते हैं जिनमें से एक मेल और एक फीमेल होना आवश्यक है इसमें आपके अलंकरण के पदक के साथ में आपको डेढ़ लाख रुपए की क्या मिलती है प्राइज मनी मिल जाती है फिर इसके बाद में हमारे पास में आ जाते हैं शहीद विनोद चौबे पुरस्कार ये एक वर्ष में अधिकतम पांच पुरस्कार दिए जा सकते हैं और पदक के साथ में पच्चीस हजार रुपए क्या किया जाता है पुरस्कार दिया जाता है है ना तो शहीद विनोद चौबे पुरस्कार एक वर्ष में पांच पुरस्कार दिए जा सकते हैं पदक के साथ में पच्चीस की पुरस्कार राशि भी से सम्मानित किया जाता है खिलाड़ियों को इसके बाद में हमारे पास में आ जाते हैं शहीद पंकज विक्रम सिंह पुरस्कार शहीद पंकज विक्रम सिंह पुरस्कार फॉर स्पोर्ट्स अदर देन दोस सिलेक्टेड फॉर शहीद राजीव पांडे अवार्ड्स मतलब उन खेलों के लिए जो राजीव पांडे अवार्ड में चयनित किए जा चुके हैं उनको छोड़ करके दूसरे आपके जो स्पोर्ट्स होंगे या फिर खेल होंगे उनके लिए दिया जाएगा क्या शहीद पंकज विक्रम सिंह पुरस्कार मतलब ये दोनों क्लैश नहीं होने चाहिए शहीद राजीव पांडे अवार्ड में और शहीद पंकज विक्रम सिंह अवार्ड में क्लैश नहीं होना चाहिए स्पोर्ट्स का है ना मैक्सिमम ऑफ टू पीपल फ्रॉम ईच स्पोर्ट्स वन फीमेल एंड अदर मेल इसके बाद में यहाँ पर कोई भी क्राइटेरिया नहीं है जितने भी खेलों में आप उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे उन खेलों में मैक्सिमम दो लोगों को क्या दिया जा सकता है आपका शहीद पंकज विक्रम सिंह पुरस्कार दिया जा सकता है एक मेल और एक फीमेल पर डेडिकेटेड क्या होगा यहाँ पर ये आप लोगों को राज्य खेल अलंकरण देखने को मिलेगा इसमें खास बात क्या है जो राजीव पांडे अवार्ड्स हैं शहीद राजीव पांडे अवार्ड्स उनके लिए उनमें जिन खेलों को सेलेक्ट कर लिया गया है उन खेलों को यहाँ पर नहीं लिया जाएगा शहीद पंकज विक्रम सिंह उनको छोड़ करके क्या करेंगे दूसरे खेलों को इसमें शामिल कर लिया जाएगा और इसमें मेडल के साथ में पच्चीस हजार का आप लोगों को क्या देखने मिलेगा पच्चीस हजार की प्राइज मनी देखने को मिलेगी तो ये है हमारे लिए राज्य खेल अलंकरण का क्या शहीद विक्रम पंकज विक्रम सिंह पुरस्कार और इसके बाद में फाइनली हमारे पास में आ जाएगा क्या मुख्यमंत्री ट्रॉफी जो अंतिम में इसे जोड़ा गया है 2017 में और याद रखिएगा 2017 से ही हमारे राज्य में राज्य खेल नीति स्टेट स्पोर्ट्स पॉलिसी भी लागू की गई है स्टेट स्पोर्ट्स पॉलिसी 2017 तो कभी भी वाइल्डली आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है राज्य में जो वर्तमान की खेल नीति है वो आपके कौन से, से अधिसूचित की गई है तो जो आपका स्पोर्ट्स पॉलिसी है स्टेट स्पोर्ट्स पॉलिसी वह सन दो से छत्तीसगढ़ में लागू है अब ये जो आपका मुख्यमंत्री ट्रॉफी है ये मैक्सिमम दो अवार्ड्स दिया जा सकता है एक साल में अधिकतम दो पुरस्कार दिए जा सकते हैं प्रतिवर्ष इसके बाद में ये जो है ये आप लोगों के लिए डेडिकेटेड है किसके लिए फॉर टीम स्पोर्ट्स तो दो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक है आप लोगों के लिए क्या शहीद हनुमान सिंह का जो पुरस्कार मिलता है क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो प्रशिक्षकों और निर्णायकों को दिया जा रहा है मतलब ट्रेनर्स और रेफरीज को दिया जा रहा है जबकि आपका मुख्यमंत्री ट्रॉफी जो है ये टीम स्पोर्ट्स के लिए है और ये टीम स्पोर्ट्स दो कैटेगरी में दिया जाता है एक सीनियर कैटेगरी में और एक जूनियर कैटेगरी में ठीक है और ये जो आपका सीनियर और जूनियर कैटेगरीज है ये कैसे होंगे अगर चार प्लेयर्स की टीम है तो जो सीनियर आपके कैटेगरी में है इसमें आप लोगों को दो लाख का क्या मिलेगा पुरस्कार राशि मिलेगा दिदी और वहीं अगर ये जूनियर कैटेगरी में आप लोगों के चार प्लेयर्स का टीम है तो वहां पर आप लोगों को एक लाख क्या मिलेगी प्राइज मनी मिलेगी और वहीं जो आपका चार से ज्यादा प्लेयर्स का टीम होगा वहां पर जो सीनियर या फिर आपका सीनियर कैटेगरी होगी वहां पर फाइव लैक्स का आपको क्या देखने मिलेगा प्राइज मनी देखने मिलेगा और जो जूनियर कैटेगरी होगी वहां पर तीन लाख का क्या देखा देखने मिलेगा कैटेगरी प्राइज मनी देखने मिलेगी मतलब जो आपकी मुख्यमंत्री ट्रॉफी है एक तो वो किस चीज के लिए डेडिकेटेड है टीम स्पोर्ट्स के लिए डेडिकेटेड है इसके बाद में इसके दो कैटेगरीज हैं एक सीनियर और एक जूनियर सीनियर और जूनियर दोनों ही कैटेगरीज में अगर प्लेयर्स की संख्या चार है तो उसमें सीनियर कैटेगरी के अगर राज्य अलंकरण पुरस्कार मिलेगा कौन सा आपका मुख्यमंत्री ट्रॉफी तो उसमें चार प्लेयर्स के सीनियर लोगों को कितना मिलेगा दो लाख रुपए का कैश प्राइज मिलेगा अगर जूनियर टीम है तो उन लोगों को कितनी मिलेगी एक लाख रुपए की प्राइज मनी देखने मिलेगी अगर चार लोगों से ज्यादा है टीम में प्लेयर्स की संख्या तब उस समय में जो सीनियर कैटेगरी है उसमें पांच लाख का आपको प्राइज मनी मिलेगा जूनियर जो कैटेगरी है उसमें तीन लाख का आप लोगों को क्या मिलेगा प्राइज मनी मिलेगा और ये सभी आपके जो अलंकरण का मेडल है उसके साथ में आप लोगों को मिलेगा ठीक है तो यहां पर हमारा खत्म होता है क्या राज्य अलंकरण खेल अलंकरण पुरस्कार और ये आपके राज्य अलंकरण पुरस्कारों से अलग है है ना ये आप लोगों का क्या है राज्य खेल अलंकरण है जो 2004 में शुरू हुआ था किस नाम से खिलाड़ियों प्रशिक्षकों एवं निर्णायकों को पुरस्कार सम्मान 2004 नियम के नाम से ये शुरू किया गया था 2007, 8 और 17 में इसमें महत्वपूर्ण क्या किए गए हैं संशोधन किए गए हैं जिसके बाद में इसका वर्तमान स्वरूप आप लोगों के सामने में आप लोगों को देखने मिलता है 14 मार्च सन 2024 में पिछले पांच वर्षों से नहीं दिए जाने के कारण 14 मार्च को दो सालों का एक साथ दिया गया है किन किन सालों का 2019 हजार और बीस इक्कीस का इसके बाद में कुल मिलाकर के कितने लोगों को दिया गया है 544 लोगों को दिया गया है 133 लोगों को राज्य अलंकरण से सम्मानित किया गया है जबकि 411 जो है उन्हें किस नाम से उन्हें क्या दिया गया है नगद प्राइज मनी दी गई है यानी कि नगद पुरस्कार दिया गया है आगामी जो आपका अगस्त होगा उसमें ट्वेंटी नाइन्थ अगस्त जो होता है जो आपका राष्ट्रीय खेल दिवस होता है नेशनल स्पोर्ट्स डे उसमें आप लोगों को 2021 हजार और 22 तेईस के लिए क्या देना है राज्य खेल अलंकरण से सम्मानित किया जाएगा तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेरी 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 इंपॉर्टेंट इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास में कुछ ऐसे स्थल हैं जो वर्तमान में चर्चा में बना बने हुए हैं या फिर समाचार में है जैसे कि सबसे पहला है आपका रामगढ़ जो कि है सरगुजा में टू डेज ऑफ रामगढ़ महोत्सव वाज ऑर्गेनाइज्ड टू डेज ऑफ रामगढ़ महोत्सव वाज ऑर्गेनाइज्ड वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट थिएटर लोकेटेड एट रामगढ़ हिल्स ऑफ उदयपुर डेवलपमेंट ब्लॉक इन सरगुजा डिस्ट्रिक्ट मतलब सरगुजा जिले में उदयपुर नामक एक विकास खंड है जहां पर एक रामगढ़ की पहाड़ी है और इस रामगढ़ की पहाड़ी में आप लोगों को देखने मिलती है प्राचीनतम नाट्यशाला विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला मतलब वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट वर्ल्ड ओल्डेस्ट थिएटर साथ साथ आप लोगों के ऐसा माना जाता है ये जो आपका थिएटर है ये मौर्यालीन है या फिर मौर्य काल से भी पुराना है यहां पर आप लोगों को कुछ गुफाएं देखने मिलती हैं जैसे कि सीता बेंगरा और लक्ष्मण बेंगरा अगर हम इस रामगढ़ की पहाड़ी का इतिहास देखें तो इसका इतिहास हमारे पुराणों में भी मिलता है हमारे महाकाव्यों में मिलता है रामायण के समय में ऐसा माना जाता है कि माता सीता श्री राम और लक्ष्मण के साथ में इस जगह पर पधारे थे और इस लक्ष्मण बेंगरा और सीता बेंगरा में इनका क्या हुआ करता था रहवास हुआ करता था यही जो सीता बेंगरा गुफा है जब आप लोग यहाँ पर जाएंगे कभी घूमने के लिए तो सामने में आप लोगों को वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एशियंट थिएटर देखने मिलेगा जो पूरी तरह से पत्थर का बना हुआ है मतलब वहां पर उस समय का रंग मंच के रूप में ये कार्य करता रहा होगा और ये पाषाण युगीन भी माना जाता है है ना तो इसका इतिहास बहुत पुराना है तो यहाँ पर क्या क्या हमें देखने मिल रहा है सीता बेंगरा लक्ष्मण बेंगरा और विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला मिलती है यही जो सीता बेंगरा गुफा है यहाँ पर आप लोगों को एक एक आ, प्रेम कहानी भी देखने को मिलती है जिसमें देवदत्त और सुतनुका इनकी कहानी है, प्रेम प्रसंग के बारे में भी उल्लेखित आप लोगों को दीवाल में क्या मिलती है रॉक क्रेविंग्स कार्विंग्स मिलती है कार्विंग्स मिलती हैं माफ कीजिएगा रॉक मतलब जो गुफा है उसमें पत्थर में पत्थरों से उकेर करके बनाया गया है क्या देवदत्त और सुतनुका की क्या कहानी प्रेम प्रसंग को ठीक है आगे चलते हैं इसमें अः ये क्या है कौन से ओकेशन पर मतलब हमें यहाँ देखने मिला है कि दो दिवसीय हमें यहाँ पर क्या मिला है रामगढ़ महोत्सव का ऑर्गेनाइज किया गया है तो यहाँ पर रामगढ़ में क्या किया गया है दो दिवसीय रामगढ़ महोत्सव का ऑर्गेनाइज कराया गया है और यह कब ऑर्गेनाइज कराया जाता है प्रतिवर्ष यहाँ पर कृष्ण पक्ष प्रथमा और को क्या किया जाता है आपका रामगढ़ महोत्सव मनाया जाता है तो आप लोगों से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रामगढ़ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए अषाढ़ कृष्ण पक्ष प्रथमा और द्वितीय को दो वर्ष दो दिवस दिवसीय रामगढ़ महोत्सव का क्या किया जाता है यहाँ पर उत्सव मनाया जाता है अगला हमारे लिए है केशकाल जो कि कहाँ पर है कोंडा गांव में केशकाल घाटी जो कि है कहाँ पर कोंडा गांव में यहाँ पर छत्तीसगढ़ की पहली ट्विन टनल बनाई जा रही है यहाँ पर छत्तीसगढ़ का पहला क्या बनाया जा रहा है ट्विन टनल बनाया जा रहा है है ना और ये जो है ये आपका गोविंदपुर और बसरवाही को क्या करेगा कनेक्ट करेगा मतलब गोविंदपुर और बसरवाही के बीच में ट्विन टनल बनाया जा रहा है जो कि भारत भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर में रायपुर विशाखापट्टनम का जो लिंक प्रोजेक्ट है या फिर रायपुर विशाखापट्टनम जोड़ों का प्रोजेक्ट है आपका है ना भारत माला प्रोजेक्ट के अंदर में उसके तहत बनाया जा रहा है तो यह छत्तीसगढ़ का पहला क्या होने वाला है ट्विन टनल होने वाला है जुड़वा सुरंग होने वाली है यह छत्तीसगढ़ की पहली और ये गोविंदपुर और बसरवाही को क्या करेगी उन दोनों के मध्य में बनाई जा रही है लगभग दो किलोमीटर लंबी ये टनल होगी और इसमें लगभग पांच इंटरसेक्शंस दिए जाएंगे या फिर पांच आपके क्रॉसिंग्स दिए जाएंगे है ना तो ये आप लोगों के लिए केश काल हो जाता है है तीसरा हमारे लिए है अचानक मार टाइगर रिजर्व यहां पर अचानक मार टाइगर रिजर्व कान्हा किसली कान्हा किसली और बांधवगढ़ कान्हा किसली नेशनल पार्क है राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व इन तीनों को मिला करके एक टाइगर कॉरिडोर बनाया जा रहा है किसके द्वारा एन के द्वारा नेशनल टाइगर अथॉरिटी एन नेशनल टाइगर कंजर्वेट कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी कि ये जो आपका बांधवगढ़ है कान्हा किसली है और अचानक मार है इन तीनों का एक पूरा गलियारा है जहां पर क्या होता है हमें शेरों का भ्रमण वहां पर बार बार देखने को मिलता है शेरों का मूवमेंट वहां पर माफ कीजिएगा बाघों का, का मूवमेंट हमें देखने मिलता है बाघों का कंटिन्यू यहाँ पर एक क्या देखने मिलता है मूवमेंट देखना मिलता है क्योंकि ये तीनों ही आपके जो फॉरेस्ट रेंजेस हैं ये आपस में कनेक्टेड है इसलिए इन तीनों को मिला करके एक क्या बनाया जा रहा है टाइगर कॉरिडोर बनाया जा रहा है ताकि क्या हो सके जो ongoing project tiger है, उसे एक boost मिल सके और साथ में क्या हो उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो सके किनकी की शेयरों की और उनका इवेल्युएशन किया जा सके मतलब इससे इन क्षेत्रों में चल रहे प्रोजेक्ट टाइगर को बढ़ावा मिलेगा साथ ही बाघों की उचित निगरानी और मूल्यांकन भी किया जा सकेगा तो एक नया टाइगर कॉरिडोर बनाया जा रहा है दो राज्यों की सरकारों के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से और यह है छत्तीसगढ़ का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन दोनों को मिला करके क्या बनाया जा रहा है टाइगर कॉरिडोर बनाया जा रहा है इसमें कौन कौन शामिल हैं आप लोगों से सवाल यही पूछा जाएगा वर्तमान में अचानक मार टाइगर रिजर्व के साथ में दो अन्य आपके वन क्षेत्रों को मिला करके टाइगर कॉरिडोर नया एक टाइगर कॉरिडोर बनाया जा रहा है इसमें कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान या फिर आपके टाइगर रिजर्व शामिल हैं तो आप लोगों को ध्यान रखना है एक है अचानक मार टाइगर रिजर्व जो छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में है दूसरा है आपका कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान और तीसरा है आपका क्या बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व इन तीनों को मिलाकर के बनाया जा रहा है क्या टाइगर कॉरिडोर चौथा जो, जो स्थल हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो है भोरम देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भोरम देव क्या है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है क्योंकि वर्तमान में यहाँ पर एक क्या देखने मिली है एक बहुत ही लार्ज साइज बटरफ्लाई की एक स्पीशीज देखने मिली है यानी कि यहाँ पर ब्लू मॉर्मोन नामक एक तितली की प्रजाति देखने को मिली है और ये जो ब्लू मॉर्मोन तितली की प्रजाति है ये आपका पूरे भारत में तितलियों की सबसे प्रजा बड़ी प्रजातियों में दूसरे नंबर पर है यानी कि इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट बटरफ्लाई इन इंडिया है ना तो ये हमें कहाँ देखने मिली है ये हमें देखने मिली है बोरमदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बोरमदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो सन 2001 में इसे क्या किया गया अधिसूचित किया गया नोटिफाई किया गया कुल मिलाकर के तीन स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में यह फैला हुआ है जिसमें से एक किलोमीटर स्क्वायर का जो आपका एरिया है वो इसका कोर जोन है है ना और इसे 2001 में नवीनतम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आपके छत्तीसगढ़ का क्या है नवीनतम वन्य जीव प्राणी अभ्यारण्य है ठीक है अब यहां पर और क्या क्या है एक यहां कर जो खास बात है इसी भोरम देव आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आप लोगों को देखने मिलती है ऑरेंज ओकलीफ बटर बटरफ्लाई ऑरेंज ओकलीफ बटरफ्लाई है ना कहा है ये ऑरेंज ओकलीफ तितली और इस ऑरेंज ओकलीफ तितली की खास बात यह है नवंबर 2021 में इसे भारत देश का राष्ट्रीय तितली घोषित किया गया है इट इज डिक्लेयर्ड एज नेशनल बटरफ्लाई ऑफ इंडिया तो नेशनल बटरफ्लाई ऑफ इंडिया कौन है तो आपको ऑप्शन में दोनों दे देगा क्वेश्चन ऐसा ही पूछेगा विच अमंग इज नेशनल बटरफ्लाई ऑफ इंडिया दोनों देगा आपको ऑप्शन में ब्लू मॉरमोन भी देगा और ऑरेंज ओक्लिव भी देगा लेकिन हमें यह ध्यान रखना है ऑरेंज ओक्लिव जो है ये क्या है नेशनल बटरफ्लाई है जबकि ब्लू मॉर्मोन जो है वो सेकंड लार्जेस्ट बटरफ्लाई ऑफ इंडिया है जो कि दोनों ही हमें देखने मिली है कहां पर भोरमदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अब जैसे ही भोरमदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात आई तो हमारे कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बेसिक इंफॉर्मेशन हम देख लेते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर के ग्यारह क्या है आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य वन्य जीव यहां पर अभ्यारण्य हमारे पास कितने हैं ग्यारह है पहला इनकी जो स्थापना का वर्ष है ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सबसे पुराना जो हमारे पास में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कौन सा है सीता नदी धमतरी में है 1974 में इसे बनाया गया था इसे हम ऐसे समझते हैं 1974 से हमारे राज्य में क्या बनाने शुरू हुए हैं वन्य जीव अभ्यारण्य बनाना शुरू किया गया है अब ये अगर हम सात और चार को जोड़ दें तो ये हो जाता है ग्यारह यानी कि हमारे छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर के कितने वन्य जीव है प्राणी अभ्यारण्य है ये है ग्यारह तो उन्नीस के बाद से पंचवर्षीय योजना आप बना लीजिए उन्नीस सौ पचहत्तर छिहत्तर उन्नीस सौ सतहत्तर उन्नीस सौ अठहत्तर उन्नीस सौ चौहत्तर में सबसे पुराना बना कौन सा सीता नदी कहाँ बना ये धमतरी में फिर उन्नीस सौ पचहत्तर में हमारे पास में तीन फिर से क्या बनाए जाएंगे वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए जाएंगे एक बनाया जाएगा अचानक मार्ग दूसरा इसी में बनाया जाएगा आपका कौन सा बादल खोल और तीसरा इसी 1975 में बनाया जाएगा आपका कौन सा गोमरडा अब ये तीनों कहां कहां पर है अचानक मार है आपका मुंगेली में बादलखोल जशपुर और गोमाडा जो है ये आपका वर्तमान सारंगढ़ ठीक है इसके बाद में हम अगला हमारा आ जाते हैं किसमें उन्नीस सौ छिहत्तर 1976 में हमें कौन सा देखने मिलेगा बार नवा पारा और ये कहां पर है महासमुंद ठीक है तो अभी हम लोग पूरा पंचवर्षीय योजना बनाएंगे इसके बाद में हमारे पास में आ गए कौन सा 1977 सौ सतहत्तर इसमें हमारे लिए कोई भी वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं बना फिर 1978 और 1978 में हमारे पास में कौन सा आ जाएगा यह है आपका तमोर पिंगला और सेमरसोत तमोर पिंगला और सेमरसोत है ना और ये दोनों कौन कौन से जिले में है तमोर पिंगला सूरजपुर में सेमर बलरामपुर में और ये बन गया आपका कहा बलरामपुर है ना तो ये हमारा हो गया क्या पंचवर्षीय योजना मतलब कब से कब तक उन्नीस सौ चौहत्तर पचहत्तर छिहत्तर सतहत्तर और अठहत्तर तो एकमात्र जो आपका सतहत्तर है उसमें कोई भी वन्य जीव प्राणी अभ्यारण्य नहीं बनाया गया है 1978 में बनाया गया इसके बाद हम सीधा आ जाते हैं कब उन्नीस अब क्योंकि हमने क्या किया है पंचवर्षीय योजना बनाया है तो अठहत्तर में पांच जोड़ दीजिए तो ये पहुंच गए हम कहा उन्नीस और उन्नीस में हमारे पास में बनेंगे कितने तीन और ये कौन कौन से हैं एक है आपका उद्यंती एक है आपका पामेड़ और एक हो जाएगा आपका कौन भैरमगढ़ है ना तो उद्यंती कहां पर है आपका गरियाबंद पामेड़ और भैरमगढ़ दोनों ही कहां पर है आपके बीजापुर में और फाइनली सन 2001 में सन 2001 में आपका भोरम देव वन्य जीव अभ्यारण्य और ये हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम क्या वन्य जीव अभ्यारण्य है ना तो अगर हम उन्नीस में सात और चार को जोड़े तो हमें पता चलता है हमारे छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर के वर्तमान में ग्यारह अभ्यारण्य है चौहत्तर से हम पंचवर्षीय योजना शुरू करेंगे चौहत्तर पचहत्तर छिहत्तर सतहत्तर और अठहत्तर अठहत्तर में फिर हम पंचवर्षीय योजना हम लोग क्या किए बनाए इसलिए पांच को जोड़ेंगे तो हमारे पास में आ गया क्या उन्नीस और फाइनली एक हमको याद करना पड़ेगा सन 2001 तो इस प्रकार से हमारा जो वन्य जीव अभ्यारण्यों का स्थापना वर्ष है वो हमने क्या कर लिया याद कर लिया ठीक है अगला हमारे पास में जो महत्वपूर्ण स्थल है वो है देवर बीजा मंदिर देवर बीजा टेम्पल अब ये कहाँ पर है देवर बीजा मंदिर जो है बेमेतरा जिले में स्थित है और यह माता सीता को क्या है समर्पित मंदिर है देवी सीता को या फिर माता सीता को समर्पित मंदिर है ऐसा माना जाता है कि लॉर्ड राम एंड गॉडेस सीता अलोंग विथ लक्ष्मण अराइव्ड एट दिस प्लेस मतलब रामायण काल के समय में अपने वनवास के दौरान राम लक्ष्मण और सीता माता तीनों ही इस जगह पर पहुंचे थे और जिसके बाद में इस मंदिर को बनाया गया है कब बारहवीं शताब्दी में कल्चुरी राजाओं द्वारा बनाया गया है और ऐसी मान्यता है कि ये जो मंदिर है इसे केवल छह रातों में पूरा कर लिया गया था मतलब छ रातों में ही इस मंदिर को बना लिया गया था नागर शैली का नागर शैली का एक बहुत ही प्यारा उदाहरण है आपका क्या ये देवर बीजा मंदिर जो आपके कहां पर स्थापित है आ, में तरह जिले में स्थित है है ना इसके बाद में हमारे पास में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो हाल फिलहाल में चर्चा में बने रहे हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं सबसे पहले हमारे पास में अजय सिंह रिटायर्ड आई एस ऑफिसर ऑफ नाइनटीन एटी थ्री बैच हैज अपॉइंटेड एज न्यू स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ छत्तीसगढ़ नया इन्हें क्या बनाया गया है राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है, है ना लेकिन हमारा जो सीईओ है हमारे छत्तीसगढ़ की मतलब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर एक होते हैं आपके क्या चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर या फिर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और एक हमारे पास में है क्या राज्य निर्वाचन आयुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त इन दोनों में अंतर क्या है समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले हम समझते हैं एक हमारे पास में है क्या अजय सिंह नामक आईएएस ऑफिसर जो 1983 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं इन्हें वर्तमान में क्या बना दिया गया है राज्य चुनाव आयोग का क्या बनाया गया है चुनाव आयुक्त बना दिया गया है जो छत्तीसगढ़ राज्य चुनाव आयोग है इसकी स्थापना वर्ष 2002 में 28 सितंबर को की गई थी और जो पहले इसके चुनाव आयुक्त थे वो थे कौन सुशील त्रिवेदी सुशील त्रिवेदी इसके क्या थे पहले चुनाव आयुक्त थे एक एक लाइन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस साल आप लोगों के म्यूनिसिपैलिटीज के चुनाव होने वाले हैं मतलब नगरीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं इसलिए एक एक लाइन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है तो वर्तमान में किन्हें बनाया गया है मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है अजय सिंह को पहले कौन थे सुशील त्रिवेदी थे राज्य का जो चुनाव आयोग है उसकी स्थापना कब की गई थी तो सन 2002 में 28 सितंबर को की गई थी है ना अब ये जो आपका राज्य क्या है चुनाव आयोग है राज्य का आपका चुनाव आयोग है और जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का ऑफिस होता है इसके बीच में क्या डिफरेंस है हम लोग देख लेते हैं जो आपका राज्य निर्वाचन आयोग है ये आप लोगों का पूर्णतः संबंधित होता है किससे पंचायतों और नगरीय निकायों के चुनाव से पंचायतों और नगरीय निकाय चुनाव करवाने से पूरा पूरा दायित्व तो जो होता है वो किसका होता है राज्य के निर्वाचन आयोग का और उसके हेड कौन होते हैं राज्य के निर्वाचन आयुक्त जबकि जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का ऑफिस होता है कार्यालय होता है वो आपके राज्य में लोकसभा के चुनाव और साथ साथ आपकी विधायिका के चुनाव कराने के लिए क्या होता है जिम्मेदार होता है ठीक है देखते हैं ये जो राज्य निर्वाचन आयोग है इसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन देख लेते हैं जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद दो सौ दो सौ के और दो सौ जेड ए के माध्यम से इसका गठन किया जाता है जो आपका आर्टिकल भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 243 के और आर्टिकल 243 फोर्टी जेड ए है इन दोनों में बोला गया है क्या राज्य में एक निर्वाचन आयोग होगा जिसका प्रमुख कौन होगा राज्य निर्वाचन आयुक्त जो आपका अनुच्छेद दो के है ये पंचायतों के चुनाव से संबंधित है पंचायतों में चुनाव मतलब जो ग्रामीण स्वशासन की व्यवस्था है वहां चुनाव करवाने से संबंधित आपके राज्य निर्वाचन आयोग का निर्माण किया जाएगा ये बोल रहा है कौन आपका दो के और वही जो आपका दो सौ है ये आपका संबंधित है किससे म्यूनिसिपैलिटी से या फिर नगरीय निकाय से है ना और इन दोनों में ही बोला जा रहा है क्या एक राज्य में क्या होगा राज्य निर्वाचन आयोग होगा या चुनाव आयोग होगा जिसका हेड जो होगा वो कौन होगा आपका चुनाव आयुक्त होगा

अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण होगा वो सभी किसके हाथों में होगा वो होगा आपके राज्य के निर्वाचन आयोग या फिर राज्य चुनाव आयोग के हाथ में और उसका प्रमुख कौन होगा राज्य चुनाव आयुक्त तो होगा उसका प्रमुख है ना और वही जो आपका अनुच्छेद 324 है भारतीय संविधान का ये किसके बारे में बात करता है ये बात करता है आपके भारत में निर्वाचन आयोग भारतीय निर्वाचन आयोग की या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की और यही अनुच्छेद तीन और साथ में आपका अनुच्छेद 327 327 में बोला गया है राज्यों में विधायिका के चुनाव के लिए आपका जो पार्लियामेंट है संसद है वो नियम कानून बना सकता है 324 में बोला गया है आपका भारतीय निर्वाचन आयोग जो होगा वो संसद एवं राज्य की विधायिका के लिए चुनाव कराएगा और राज्य की विधायिका में अपना चुनाव कराने के लिए या फिर संसद के चुनाव कराने के लिए अपने अंडर में क्षेत्रीय चुनाव आयोगों का क्या कर सकता है निर्माण कर सकता है ये बोला गया है किसमें अनुच्छेद तीन में तो जो आपका राज्य में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी होते हैं जो वर्तमान में कौन है रीना बाबा साहब गंगाले हैं जिन्होंने वर्तमान में अठारह लोकसभा के चुनावों को क्या करवाया है सफलता पूर्ण वक, आयोजित कराया हमारे छत्तीसगढ़ में तो अगर उनका जो संवैधानिक स्वरूप है वो कहाँ से आएगा तीन और साथ में आपका तीन इन दोनों को मिला करके और ये जो हमारा सीईओ होंगे ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्टोरल ऑफिस ऑफ छत्तीसगढ़ ये आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर में काम करेंगे कौन से सेक्शन के द्वारा ये बताया जाता है यह है 1950 के धारा तेरह और दूसरा धारा बीस कौन सा रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ उन्नीस मतलब जो मेन डिफरेंस है ये हो रहा है हमारा आर्टिकल दो के और आर्टिकल दो सौ जो है आपका आर्टिकल दो के और आर्टिकल दो सौ इन दोनों के द्वारा बनाया जा रहा है किसको स्टेट इलेक्शन कमीशन और ये क्या करेंगी पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज का चुनाव करवाएंगे चुनाव संबंधित सब कुछ मतलब मतदाता सूची जो इलेक्टोरल रोल होता है उसे भी बनाने से लेकर के चुनाव कराने तक का पूरा कार्य किसका रहेगा राज्य निर्वाचन आयोग का और इसे कौन से अनुच्छेद के तहत बनाया जा रहा है ये इसके तहत बनाया जा रहा है और वहीं जो आपका अनुच्छेद अनुच्छेद तीन प्लस आपकी कौन सा सेक्शन थर्टीन ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और आपका सेक्शन 20 सेक्शन 20 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट उन्नीस जन प्रतिनिधि अधिनियम उन्नीस इन सभी के माध्यम से क्या किया जा रहा है एक तो भारतीय निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और दूसरा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स इन दोनों का क्या किया जा रहा है गठन किया जा रहा है और ये आप लोगों के लिए किसका चुनाव करवा रहे हैं यह आप लोगों के लिए पार्लियामेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेचर राज्य की विधायिका इसका ये चुनाव करा रहे हैं तो दो हमारे पास में प्रमुख हमें जो निर्वाचन संबंधित आपके प्रशासनिक इकाइयां हैं वो मिल जाती हैं एक मिलता है हमें ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर यानी कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का कार्यालय जिसके अंडर में हमें हमने देखा था दो हमारे पास में क्या है जॉइंट सीईओ है यानी कि संयुक्त Uh, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं एक जो होंगे वो निर्वाचन संबंधित सामान्य कार्यकलापों के लिए होंगे और दूसरे जो होंगे वो स्वीप जो कार्यक्रम है सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन का कार्यक्रम उसको संभालेंगे इनके अंदर में हम लोगों को क्या देखने मिल रहे हैं डेप्यूटीज देखने मिल रहे थे यानी कि उप आपका मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और ये जो डेप्यूटीज हैं इनके इनकी सहायता के लिए हमें एक देखने मिला था क्या सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वो हमारा किससे संबंधित है जो लोकसभा के चुनाव और हमारी विधायिका के चुनाव होते हैं उनसे संबंधित है अभी वर्तमान में हमारे लिए अजय सिंह को बनाया गया है क्या राज्य निर्वाचन आयोग या फिर राज्य चुनाव आयोग का प्रमुख ये जो चुनाव आयोग है ये किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है आपके अनुच्छेद दो सौ तिरालीसी के और दो सौ तिरालीसी जेड ए के माध्यम से और ये जो होगा ये आपके राज्य में पंचायतों और नगरीय निकाय को यानी कि जो राज्य की स्थानीय स्वशासन होती है एक होता है आपका क्या uh, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन या, या फिर रूरल सेल्फ uh, गवर्नेंस और दूसरा होता है अर्बन सेल्फ गवर्नेंस यानी कि आपका नगरीय स्वशासन इन दोनों में चुनाव कराने की जिम्मेदारी मिली है कि देखे अजय सिंह को तो ये हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था किसके संबंधित जो दो मुख्य हमारी राज्य में निर्वाचन संबंधित प्रशासनिक इकाइयां हैं उनके दूसरे जो हमारे व्यक्ति हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है नितिन दुबे छत्तीसगढ़ के पहले ऐसे सिंगर बन गए हैं जिन्हें क्या मिला है गोल्डन प्ले बटन मिला है किसके माध्यम से यूट्यूब की तरफ से यूट्यूब की तरफ से क्या मिला है इन्हें गोल्डन प्ले बटन मिला है और गोल्डन प्ले बटन पाने वाले ये राज्य के पहले क्या बन गए हैं सिंगर बन गए हैं दूसरा हमारे तीसरे हमारे पास में जो है बहुत इंपॉर्टेंट नाम वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ में शिक्षा में क्रांति लाने के कारण इन्हें क्या दिया गया है राज्य स्तरीय शिक्षा ये शिक्षा है ना शिक्षा नहीं है ये शिक्षा सम्मान से क्या किया गया है नवाजा गया है और ये है डॉक्टर शिप्रा बेग डॉक्टर शिप्रा बेग को अन्य बहुत सारे भी सम्मानों से पहले नवाजा जा चुका है और ये आपके हैं मुख्यमंत्री गौरव सम्मान शिक्षा दूत सम्मान एक्सीलेंट इनोवेटिव टीचर सम्मान छत्तीसगढ़ रत्न नारी तू नारायणी इन सभी सम्मानों से पहले ही डॉक्टर शिप्रा बेग को क्या किया जा चुका है नवाजा जा चुका है छत्तीसगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार करने और शिक्षा के क्षेत्र को ही क्या करने सशक्त बनाने के लिए इन्हें क्या दिया गया है वर्तमान में शिक्षा सम्मान से नवाजा गया है ठीक है आगे चलते हैं क्या हमारे पास में कोई स्पोर्ट्स या फिर डेज हैं तो ये हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पास में आ जाता है स्टेट लेवल जूडो टूर्नामेंट यानी कि अब हम चर्चित व्यक्तियों से चलते हैं हमारे स्पोर्ट्स में हमारा कैसा प्रदर्शन रहा है उसके ऊपर तो सबसे पहला है हमारे पास में स्टेट लेवल जूडो टूर्नामेंट हुआ है है ना राज्य स्तरीय जूडो का प्रतिस्पर्धा आयोजित की गई है कहाँ पर भिलाई में की गई है कब से कब तक 17 से लेकर के 19 जून तक इसे आयोजित कराया गया है और इसमें ओवरऑल जो चैंपियन रहा है वो कौन रहा है दुर्ग जिला इसमें ओवरऑल चैंपियन बना है जिसने 24 गोल्ड मेडल 19 सिल्वर मेडल और 12 ब्रोंज मेडल के साथ में फर्स्ट आकर के इसका चैंपियन बन गया है राज्य स्तरीय जूडो प्रतिस्पर्धा का इसमें जो अप रहा है या फिर सेकेंड रैंक पर आया है वो रहा है बिलासपुर सत्रह गोल्ड मेडल छह सिल्वर मेडल और तीन ब्रोंज मेडल के साथ में बिलासपुर अप रहा है तीसरा जो स्थान प्राप्त किया है वो प्राप्त किया है बलौदा बाजार भाटापारा जिला ने और इसने गोल्ड, ग्यारह सिल्वर और तेरह ब्रज के साथ में तीसरा स्थान प्राप्त किया है ठीक है ये वही आप लोगों का क्या है इंफॉर्मेशन है अब अगला जो हमारे पास में है यह है सी सी पी एल सी सी पी एल यानी कि छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग और इसका जो आपका आयोजन हुआ था ये नौ दिवसीय खेल था जिसमें छह टीमों टीमों में में ने पार्टिसिपेट किया था और ये भारत में होने वाले आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग की तर्ज पर क्या किया है राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रीमियर लीग ऑर्गेनाइज किया गया था किसके द्वारा बीसीसीआई के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के द्वारा ये आयोजन कराया गया था और इसमें आपका जो रायपुर राइनोस की टीम है या फिर रायपुर जिले की रायपुर राइनोस टीम है उस टीम ने क्या किया है ओवरऑल चैंपियन बन गई है फर्स्ट सीजन ऑफ सीसीपीएल के फर्स्ट सीजन ऑफ सीसीपीएल एंडेड विद द विक्ट्री ऑफ रायपुर राइनोस ओवर बिलासपुर बुल्स यानी कि बिलासपुर बुल्स को हरा कर रायपुर राइनोस क्या बनी है छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग के पहले संस्करण का विजेता बन गया है मैन ऑफ द सीरीज किसे दिया गया है जो बॉलर हैं आयुष चौहान उन्हें क्या दिया गया है मैन ऑफ द सीरीज घोषित किया गया है टोटल छह टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और ये कौन कौन से हैं रायपुर राइनोस जो विजेता रही है दूसरे नंबर पर रही है बिलासपुर बुल्स इसके बाद में बस्तर बाइसंस रायगढ़ लॉयंस सरगुजा टाइगर्स राजनांदगांव पैंथर्स ये छह टीमें इसमें पार्टिसिपेट करी हैं जो जीता है या फिर जो विजेता रहा है उसे पंद्रह लाख का क्या दिया गया है कैश प्राइज दिया गया है अलोंग विथ ट्रॉफी दिया गया है जो ब्रांड एम्बेसडर रहा हमारे सी सी पी एल का वो रहे हैं सुरेश रैना सुरेश रैना ये सभी एक एक लाइन आप लोगों के लिए इस साल इंपॉर्टेंट है बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंडक्ट किसके द्वारा कराया गया था तो बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के द्वारा क्या किया गया इसे ऑर्गेनाइज कराया गया है ठीक है ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए अगला चलते हैं उन्नीसवा नाइनटीन नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप यानी कि उन्नीसवा राष्ट्रीय युवा एथलेटिक चैंपियनशिप का वर्तमान में क्या किया गया आयोजन कराया गया कहां पर बिलासपुर में बिलासपुर के कौन से स्टेडियम में बहतराई स्टेडियम में जिसे बी आर यादव बी आर यादव स्टेडियम भी कहा जाता है तो आप लोगों से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उन्नीसवा राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित कराया गया था और हो सकता है आपको बिलासपुर या बहतराई ना बोल करके बी आर यादव क्या कर दिया जाए स्टेडियम ऑप्शन में दे दिया जाए है ना तो इसके लिए आप लोग रेडी रहेंगे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का क्या उन्नीसवा जो युवा एथलेटिक चैंपियनशिप रहा है क्योंकि इसमें कुछ राष्ट्रीय क्या बने हैं रिकॉर्ड्स बनाए गए हैं नेशनल रिकॉर्ड्स बनाए गए हैं आइए देखते हैं इसका जो आयोजन है ये पंद्रह सोलह सत्रह जून दो हजार चौबीस को किया गया मतलब तीन दिवसीय ये क्या रहा है आपका आयोजन रहा है और इसका परिणाम क्या रहा है जो ओवरऑल चैंपियन बनी है वो टीम है कौन सी तमिलनाडु की टीम द्वितीय जो रही रही है वो हरियाणा की टीम और तीसरे स्थान पर रहा है राजस्थान तो सबसे पहला जो ओवरऑल चैंपियन बना वो कौन है तमिलनाडु है द्वितीय स्थान पर हरियाणा है और तृतीय स्थान पर कौन रहा है राजस्थान रहा है इसके बाद में हमारे Uh, कुछ ऐसे तथ्य हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जानने के लिए उसको देख लेते हैं इस चैंपियनशिप में 25 राज्यों के 626 खिलाड़ियों ने क्या किया था भाग लिया था सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार पुरुष का खिताब किसे दिया गया है किरण कुमार जो कि केरल से हैं इन्हें क्या दिया गया है सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरुष का खिताब दिया गया है इन्होंने 110 मीटर हर्डल रेस में या फिर बाधा दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है एक, एक इंपॉर्टेंट है डे एग्जाम में आएगा ही आएगा है ना तो चैंपियनशिप में कितने राज्यों के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया 25 राज्यों की 626 खिलाड़ियों ने भाग लिया सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरुष का सम्मान किसे दिया गया केरल के किरण कुमार को जिन्होंने 110 मीटर बाधा दौड़ में या फिर हर्डल रेस में क्या किया है नेशनल रिकॉर्ड बनाया है इसके बाद में सर्वश्रेष्ठ एथलीट महिला यानी कि बेस्ट एथलीट विमेन का जो अवार्ड दिया गया है वो किन्हें दिया गया है दिल्ली की नीरू पाठक को दिया गया है दिल्ली की किन्हें दिया गया है नीरू पाठक को और इन्होंने 400 मीटर दौड़ में क्या किया है राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है और साथ साथ ये जो आपकी दिल्ली की नीरू पाठक जी हैं इन्होंने इस रिकॉर्ड के साथ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्या कर लिया है क्वालिफाई कर लिया है हमारे बिलासपुर से तो ये हमारे लिए वेरी वेरी वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है तो एक राष्ट्रीय जो रिकॉर्ड बनाया गया है किसके द्वारा किरण कुमार के द्वारा 110 मीटर बाधा दौड़ में दूसरा है नीरू पाठक द्वारा बनाया गया है किसमें चार सौ मीटर दौड़ में और इसके साथ में इन्होंने गोल्ड मेडल तो जीता ही है साथ में 200 मीटर की जो रेस होती है उसमें भी इन्होंने गोल्ड जीता है और दोनों में ही इन्होंने क्या बना लिया है राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है और इसके साथ ये क्वालिफाई कर गई है किसके लिए आपका जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप होगा उसके लिए साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ के लिए एक दुखद खबर है कि छत्तीसगढ़ ने एक भी मेडल यहाँ पर नहीं जीता है ना गोल्ड ना सिल्वर ना ब्रॉन्ज तो कोई बात नहीं हम अपने खिलाड़ियों का प्रोत्साहन बढ़ाते हैं खिलाड़ियों से हमारा अनुरोध रहेगा कि अपने प्रैक्टिस जारी रखें और अगली बार के हमारा जो टूर्नामेंट होगा उसमें ये तमिलनाडु की जगह हमारा नाम आ जाए किसका छत्तीसगढ़ का ठीक है चलिए आगे चलते हैं ईस्ट जोन पिकल बॉल का क्या किया गया है चैंपियनशिप आयोजित कराया गया था जिसमें छत्तीसगढ़ ने क्या किया है अपना बहुत ही उमदा परफॉर्मेंस करते हुए हर कैटेगरी में क्या किया है मेडल जीत लिया है कितने गोल्ड मेडल जीते है? हमने दो गोल्ड मेडल जीते हैं कौन कौन से स्पर्धा में देख लेते हैं कॉम्पिटिटिव मिक्स डबल इवेंट कॉम्पिटिटिव मिक्स डबल इवेंट में हमने क्या किया है गोल्ड मेडल जीता है इसे जीतने वाले कौन कौन है लुकेश और सुहानी लुकेश और सुहानी नामक सुहानी पाठक नामक हमारे दो क्या है पिकल बॉल के आ, प्लेयर्स हैं जिन्होंने कॉम्पिटिटिव मिक्स डबल्स में गोल्ड जीता है दूसरा 50 50 मिक्स डबल्स में जयेश और शिल्पी ने क्या किया है जयेश और शिल्पी ने भी गोल्ड मेडल जीता है इसके बाद में हमारा एक हमारे क्या जीता है सिल्वर मेडल या फिर रजत पदक जीता है जिसे कॉम्पिटिटिव सिंगल इवेंट में जीता है किसने लुकेश ने कॉम्पिटिटिव सिंगल्स इवेंट में जीता है किसने लुकेश ने है ना तो एक स्वर्ण पदक दो स्वर्ण पदक है हमारे पास में जो कि प्रतिस्पर्धी मिश्रित युगल स्पर्धा में जीता गया है एक और एक जीता गया है पचास पचास मिश्रित युगल में एक रजत पदक है जिसे किसे किया कि, किसमें किया गया है किसमें जीता गया है आपका प्रतिस्पर्धी एकल स्पर्धा में लुकेश ने जीता है और दो हमारे पास में का पदक हो जाएंगे तो कुल मिलाकर के दो दो चार और एक पांच हमारे पास में कुल मिलाकर के मेडल हो जाएंगे और ये ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले कौन है दो जो हमारे पास में ब्रॉन्ज मेडल्स हैं वो कहाँ पर हमने जीते हैं कौन कौन से इवेंट्स में जीते हैं ओपन विमेन्स डबल में जीते हैं संस्कृति और सुहानी ने इसे मिलकर के हमें क्या किया है जिताया है और दूसरा हमने ब्रोंज जीता है पचास पचास मिक्स्ड डबल्स में रुपेंद्र और भावना चौहान रुपेंद्र चौहान और भावना चौहान इन दोनों ने हमें क्या किया है ब्रोंज मेडल जितवाया है ठीक है और फाइनली हमारे पास में एक विविध तथ्य है जिसको हमें जानना जरूरी है एक विहंग दृष्टि ये नाम है आपके छत्तीसगढ़ के रामेश्वर शर्मा द्वारा रचित छत्तीसगढ़ कविताओं का एक संग्रहण है जिसे क्या किया गया है हाल ही में इसका विमोचन किया गया है तो आप लोगों से डायरेक्टली सवाल यही पूछा जाएगा एक विहंगम दृष्टि आखिर क्या है क्या ये हिंदी काव्यों का संग्रह है क्या ये छत्तीसगढ़ी काव्यों का संग्रह है क्या ये हिंदी गद्यांश का संग्रह है या फिर ये छत्तीसगढ़ी गद्यांश का संग्रह है और यहाँ पर हमारा खत्म होता है जून के तीसरे हफ्ते में होने वाली वे सभी सम समाई की जो हमारे छत्तीसगढ़ से संबंधित रही हैं कल हम इस पर लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए क्या एमसीक्यू फिर परसों हम डील करेंगे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाय और उसके बाद में हम उस पर डील करेंगे क्या एमसी तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा थैंक यू अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना तो जुड़िए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के साथ आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ टीम को, को।